हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है LABOUR, लेबर। लेबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है परिश्रम करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WANT, वांट। वांट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है चाहना। वांट मतलब चाहना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LIKE, लाइक। लाइक को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SPEAK, स्पीक। स्पीक को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है बोलना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WIN, विन। विन को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है जीतना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RESPECT, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है आदर करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ATCH, कैच। कैच को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पकड़ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BEAT, बीट। बीट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पीटना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SWIM, स्विम। स्विम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है तैरना। स्विम मतलब तैरना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BATH, बात। बात को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को इसका जवाब पता है कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है स्नान करना। तो ये थे आज का हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।